क्वेश्चन नंबर 362 है, ए प्रेशर वेसल इज सेड टू बी थिन सेल व्हेन इट इज मेड ऑफ थिन शीट। क्या एक प्रेशर वेसल थिन सेल है जो थिन शीट के द्वारा बनाया जाता है? तो प्रेशर वेसल तो थिक भी हो सकता है, थिन भी हो सकता है, उसका कंडीशन होता है रेशियो ऑफ डायमीटर और रेशियो ऑफ थिकनेस और डायमीटर के। तो ये जो बोला गया है वो डिसएग्री है, आंसर आपका बी सही है। क्वेश्चन नंबर 363 देखेंगे, ए प्रेशर वेसल इज सेड टू बी थिक सेल, ए प्रेशर वेसल इज सेड टू बी थिक सेल। तो ऑप्शन ए है इट मेड ऑफ थिक शीट, गलत है। द इंटरनल डायमीटर इज वेरी हाई, इंटरनल प्रेशर नहीं, इंटरनल प्रेशर इज वेरी हाई। तो इंटरनल प्रेशर इज वेरी हाई तो हो सकता है, बट इसका कंडीशन नहीं है कि आप इसी के द्वारा आप थिक थिन को डिफाइन करेंगे। द रेशियो ऑफ वॉल थिकनेस, द रेशियो ऑफ वॉल थिकनेस डायमीटर इज लेस देन 1/10। फिर कह रहा है द रेशियो ऑफ वॉल थिकनेस ऑफ द वेसल टू डायमीटर इज ग्रेटर देन 1/10। अब आप बताइए यहाँ से क्या हो जाएगा, यदि हम लोग ऐसे समझ नहीं पा रहे तो दोनों को कुछ अलग प्रकार से थिकनेस के टर्म में लिख देते हैं। देख रहे हैं थिकनेस इज लेस देन d/10 और थिकनेस इज ग्रेटर देन d/10। तो थिकनेस किसका ज़्यादा है, इसका ज़्यादा है। तो जो सीट जिसके द्वारा हमारा वेसल बन रहा है, यदि ऐसा वेसल जिसमें ज़्यादा थिकनेस के सीट के द्वारा बनाया जा रहा है, तो ऐसे सेल को हम थिक सेल बोलते हैं। तो उसका थिकनेस डायमीटर अपॉन 10 से ज़्यादा होना चाहिए। तो अभी इस पर और ज़्यादा हम कॉन्सेप्ट डिस्कस करेंगे, आप बस देखते रहिए। तो यानी इसका आंसर जो होना चाहिए वो कौन सा होना चाहिए, डी होना चाहिए। देखिए किस प्रकार से क्वेश्चन पुटअप होता है, क्योंकि हम इससे रिलेटेड और भी क्वेश्चन जो एग्जाम में आ जाए तो उस किस प्रकार से करेंगे। टी अपान डी इज लेस देन 1/10। ये आपका थीन प्रेशर वेसल है, तो जाहिर सी बात है थिकनेस डायमीटर अपॉन 10 यदि लेस देन होगा, या तो ऐसा भी कह सकता है कि डायमीटर इज ग्रेटर देन 10t, डायमीटर का मान 10t से यदि ज़्यादा है तो उसको भी हम थीन प्रेशर वेसल बोल सकते हैं। तो आप समझ रहे हैं ए वाला भी, ए और ए तीनों के केस में किसी प्रकार से पूछा जा सकता है। सिमिलरली थिक वाले के केस में देख लेते हैं, टी अपान डी इज ग्रेटर देन 1/10, अथवा थिकनेस का मान ग्रेटर देन d/10 होगा, या डी का मान लेस देन 10t होगा। यदि डायमीटर ही 10t से कम हो जाए, मतलब जाहिर सी बात है जो उसका सर्कुलर डायमीटर है, यदि ऐसे कह दिया जाए जो इसके अंदर वाला डायमीटर है उसका मान इसके 10t थिकनेस के मान से कम हो जाए, ये जो थिकनेस यहाँ पर दिया है ये थिकनेस का मान से कम हो जाए, तो इसको हम थीक प्रेशर वेसल कहते हैं, थीक प्रेशर वेसल। तो आप समझ गए होंगे और इसके आगे हम लोग क्वेश्चन डिस्कस करते हैं। हेलो, वेलकम टू माय चैनल डायरेक्शन विजन। और आज हम लोग आरएस कुर्मी ऑब्जेक्टिव टाइप सॉल्व कर रहे हैं, जो मैकेनिकल अथवा सिविल इंजीनियरिंग के लिए थीक और थीन प्रेशर वेसल पर बेस होगा। और आरएस कुर्मी का एक क्वेश्चन नंबर 362 से स्टार्ट होता है और इसी को हम लोग सॉल्व करेंगे। और सिर्फ हमारा जो आज का वीडियो प्रेशर वेसल पर रहेगा, और इसके इर्द गिर्द और भी बहुत सारे ऐसे कॉन्सेप्ट को हम लोग डिस्कस किया जाएगा जो इससे रिलेटेड आपके आने वाले एग्जाम, जो एसएससी जेई हो, चाहे यूपी ट्रिपल एससी जेई हो, यूपी अर्मिनल जेई हो, अथवा सेमेस्टर एग्जाम में जो मल्टीपल लेवल का क्वेश्चन आपसे पूछा जाएगा, उस लेवल का भी क्वेश्चन आप बिल्कुल सॉल्व कर पाएंगे और ऐसे कॉन्सेप्ट भी डिस्कस कर पाएंगे जो थ्योरी में आप कॉन्सेप्ट को नहीं बना पाए हैं। तो सिंपल सा आगे वीडियो को कंटिन्यू करिएगा और बहुत ऐसे कॉन्सेप्ट आपको डिस्कस किया जाएगा। तो नेक्स्ट देखते हैं क्वेश्चन नंबर, फिर आगे 364। क्वेश्चन नंबर 364, ए प्रेशर वेसल इज सेड टू बी थिन सेल व्हेन इट इज द रेशियो ऑफ वॉल थिकनेस ऑफ द वेसल इज डायमीटर 1/10। देखिए जगह खाली है लेकिन यहाँ पर दिया जो है वो थिन दिया है। क्या दिया है, थिन। तो अभी हम लोग डिस्कस किए थे कि इसका रेशियो जो होना चाहिए वो लेस देन होना चाहिए, तो क्या है, लेस देन। तो आंसर जो होगा वो कौन सा होगा, लेस देन। क्वेश्चन नंबर ए, थीक प्रेशर वेसल इज ऑलवेज यूज फॉर द जनरेशन ऑफ स्टीम एज इट कैन विदस्टैंड द हाई प्रेशर, बिल्कुल। क्वेश्चन नंबर 366 है, इफ द डायमीटर ऑफ द प्रेशर वेसल इज 15 टाइम्स द वॉल थिकनेस ऑफ द वेसल इज सेड टू बी थीक सेल। करें डायमीटर, इफ द डायमीटर ऑफ द प्रेशर वेसल इज 15 टाइम्स द वॉल थिकनेस। डायमीटर आपका क्या है, बड़ा, 15 टाइम्स है ना, देख रहे हैं ना, 15 टाइम्स द वॉल थिकनेस है। अभी हमने बताया कि यदि डायमीटर का मान, डायमीटर का मान, या ऐसे फिर से लिख देते हैं, टी अपान डी लेस देन
वन बाई टेन, और आपने अभी कहा डायमीटर का मान जो होगा वो ग्रेटर हो जाए 10t से, तो इसको हम थीन बोलेंगे। क्या बोलेंगे? थीन बोलेंगे। और यदि डायमीटर का मान लेस देन हो जाए 10t से तो उसको थीक बोलेंगे। तो डायमीटर का मान तो 10t से क्या है, ग्रेटर हो जाए, 10t से ग्रेटर हो जाए तो उसको क्या बोलेंगे, थीक, थीन बोलेंगे। क्या बोलेंगे? थीन बोलेंगे। अभी हम लोग उसको ऊपर भी, यदि डायमीटर का 10t से लेस देन हो जाए मतलब वो जो अंदर डायमीटर है वो 10 टाइम से क्या हो जाए, कम हो जाए, तो उसको थीक बोलेंगे। तो आप खुद सोच के बताइए कि इसका आंसर क्या होना चाहिए। तो इसका आंसर थीन होना चाहिए। तो क्या ये बोला गया जो क्वेश्चन 366 है, क्या ये सही है? ये तो थीक बोला है कि क्या ये थीक होगा ना। फिर से एक बार क्वेश्चन कन्फर्म कर लीजिए। इफ द डायमीटर ऑफ द प्रेशर वेसल इज 15 टाइम्स द वॉल थिकनेस ऑफ द वेसल इज सेड टू बी थिक सेल। नहीं, डिसएग्री। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट देखिए, क्वेश्चन नंबर 367 है। ये थीन सिलेंड्रिकल सेल डायमीटर डी लेंथ एल थिकनेस डी सब्जेक्टेड टू इंटरनल प्रेशर पी द हुप स्ट्रेस इन सेल। क्वेश्चन नंबर 368 है, देख पहले पढ़ लेते हैं। ए थीन सिलेंड्रिकल सेल डायमीटर डी लेंथ एल थिकनेस डी सब्जेक्टेड टू इंटरनल प्रेशर पी द लॉन्गिट्यूडनल स्ट्रेस इन सेल। हम एक कॉन्सेप्ट डिस्कस करते हैं सिंपल सा। एक थीन प्रेशर वेसल है, थीक प्रेशर वेसल, दोनों में तीन प्रकार के स्ट्रेस जनरेट होते हैं, लॉन्गिट्यूडनल स्ट्रेस, सर्कोफ्रेंशियल स्ट्रेस, रेडियल स्ट्रेस। सिमिलरली थीक में भी सर्कोफ्रेंशियल, रेडियल और लॉन्गिट्यूडनल। लेकिन यहाँ पर कह रहा है थीन प्रेशर वेसल में आपका तीन स्ट्रेस उत्पन्न होता है, कौन कौन से? सर्कोफ्रेंशियल, लॉन्गिट्यूडनल और रेडियल। लेकिन रेडियल का मान इतना कम होता है, मिनिमम होता है, इसको हम नील कर देते हैं, निगलेक्ट कर देते हैं। यानी आपके पास दो स्ट्रेस आता है, सर्कोफ्रेंशियल स्ट्रेस PD/2t, लॉन्गिट्यूडनल स्ट्रेस PD/4t। ये रिजल्ट है, आपको याद करना पड़ेगा। और यदि और भी ज़्यादा इसका डिटेल पढ़ना है कि सर्कोफ्रेंशियल सेक्शन क्या होता है, लॉन्गिट्यूडनल सेक्शन क्या होता है, सर्कोफ्रेंशियल सेक्शन पर कौन सा स्ट्रेस जनरेट होगा, लॉन्गिट्यूडनल सेक्शन पर कौन सा स्ट्रेस जनरेट होगा, तो जाहिर सी बात है हमारे ही चैनल पर आपको लेक्चर मिलेगा। चैनल को सब्सक्राइब कर लेंगे, नोटिफिकेशन आपके पास पहुँच जाएगा। तो PD/2t है, ये आपका सर्कोफ्रेंशियल है। आप दोनों से मिलकर ये पता चलता है कि सर्कोफ्रेंशियल जो स्ट्रेस का मान होता है वो लॉन्गिट्यूडनल स्ट्रेस के मान से ज़्यादा होता है। यानी जाहिर सी बात है यदि किसी वेसल में हम सिलेंडर में हम इंटरनल फ्लूड प्रेशर भरते हैं तो कौन से प्रतिबल के कारण ये फेल होगा, तो कहेंगे सर्कोफ्रेंशियल के कारण। आपका क्वेश्चन 367 है। अब बताइए कि हुप स्ट्रेस अथवा सर्कोफ्रेंशियल स्ट्रेस का मान कितना होगा, तो कहेंगे ऑप्शन बी सही होगा, PD/2t। 368 का है आंसर जो लॉन्गिट्यूडनल के केस में है, तो लॉन्गिट्यूडनल PD/4t। क्वेश्चन नंबर 369 है, ए थीन सिलेंड्रिकल सेल सब्जेक्टेड टू इंटरनल प्रेशर पी द रेशियो ऑफ लॉन्गिट्यूडनल स्ट्रेस टू द हुप स्ट्रेस। लॉन्गिट्यूडनल स्ट्रेस की वैल्यू PD/4t होता है, और हुप स्ट्रेस की वैल्यू होता है PD/2t होता है, और ये कटने के बाद जो आएगा वो 1/2 आ जाएगा। रेशियो जो आएगा 1/2 का। 367 द डिजाइन ऑफ थीन सिलेंड्रिकल सेल इज बेस ऑन, हमने बताया कि जब भी कोई सेल फेल होता है वो किस स्ट्रेस के कारण होता है, सिग्मा सी मतलब PD/2t। ये मैग्नीट्यूड में लॉन्गिट्यूडनल स्ट्रेस से ज़्यादा होता है, और रेडियल तो कुछ आता नहीं है, तो जाहिर सी बात है कौन सा इसमें 367 का हो जाएगा आंसर, होप स्ट्रेस। क्वेश्चन नंबर 371, द होप स्ट्रेस इन थीन सिलेंड्रिकल सेल इज अ लॉन्गिट्यूडनल स्ट्रेस, नहीं सर, कंप्रेसिव स्ट्रेस, रेडियल स्ट्रेस, सर्कोफ्रेंशियल टेंसाइल स्ट्रेस होता है। जब इंटरनल फ्लूड भरेंगे तो उसका जो नेचर होता है होप स्ट्रेस का, वो कैसा होता है? सर्कोफ्रेंशियल टेंसाइल होता है। द मैक्सिमम शियर स्ट्रेस इन थीन सिलेंड्रिकल सेल सब्जेक्टेड टू इंटरनल प्रेशर, टाउ बराबर आप जानते हैं σ1 - σ2/2। σ1 आपका मैक्सिमम सिग्मा सी हो जाएगा, σ2 आपका मैक्सिमम सिग्मा एल हो जाएगा, और दोनों को रखेंगे तो आपका आता है जो PD/8t। जब आप रखेंगे ना, कितना रखेंगे? PD/2t - PD/4t। जब इसको सॉल्व करेंगे / 2 तो सिंपल सा कितना आ जाएगा, ये हो जाएगा यहाँ से 2 हो जाएगा 4, 2PD - PD कट करके PD/, ये ऊपर हो जाएगा 4, 4 × 2 यानी 8t हो जाएगा। ये आपका टाउमैक्स हो जाएगा।
तो सर ये PD अपान 80 आंसर जो होगा वो कितना हो जाएगा, PD अपान 80 क्वेश्चन नंबर 373 का देखेंगे। ये वाला भी क्वेश्चन है आपके एग्जाम में जो आपका आता है, वो 1/m को आप यहाँ से आप समझेंगे कि 1/m को बोलते क्या है। 1/m जो होता है वो पॉइजन रेशियो। अब कुछ एग्जाम में आपका 1/m के टर्म्स में देता है और कुछ एग्जाम में म्यू के टर्म में। आप फार्मूला एकदम एक दिमाग में बैठाएंगे और उसके अकॉर्डिंग सॉल्व करेंगे। आप म्यू के अकॉर्डिंग बैठाएंगे दिमाग में, चूँकि म्यू का मान मैक्सिमम आपके जो बुक सिंबॉलिक रिप्रेजेंटेशन किए हैं वो आपका म्यू की है। आर एस कुर्मी की बुक में आपका 1/m दिया है, तो जाहिर सी बात है कोई दिक्कत नहीं है, कुछ भी प्रेजेंट कर सकते हैं इसका। कह रहा है ए थीन सिलेंड्रिकल सेल ऑफ डायमीटर डी, लेंथ एल, थिकनेस टी, सब्जेक्टेड टू इंटरनल प्रेशर पी, द सर्कुफ्रेंशियल अथवा हुप स्ट्रेंथ, स्ट्रेंथ क्या होता है, चेंज इन लेंथ अपॉन ओरिजिनल लेंथ। तो यहाँ पर जो डायमेंशन इसका है वो कितने डायमेंशन है, इसकी डायमीटर है और इसकी लेंथ है, तो डायमीटर में भी इसकी विकृति होगी, यानी डेल डी अपॉन डी स्ट्रेंथ होगा और साथ में इसकी लंबाई डेल एल अपॉन एल। इसको हम क्या बोलते हैं, सर्कुफ्रेंशियल स्ट्रेंथ, डायमीटर वाले को सर्कुफ्रेंशियल स्ट्रेंथ और इस वाले को लॉन्गिट्यूडनल स्ट्रेंथ। और आपको निकालना किस कॉन्सेप्ट के द्वारा निकालना है, तो आप जानते हैं कुछ इस प्रकार से, आप जब बेसिक सोम पढ़ रहे थे या पढ़े होंगे वहाँ पर बाई एक्सियल स्ट्रेस के केस में ही देख लिया जाता है सिग्मा एक्स सिग्मा वाई सिग्मा वाई। तो यह छोटा ही फिगर बना देते हैं यहाँ पर क्योंकि मिटाना पड़ेगा। ये आपका दो बाई एक्सियल स्ट्रेस के केस में सिग्मा वाई या सिग्मा एक्स लगा है, तो एक्स डायरेक्शन में जो स्ट्रेन आता है वो आप क्या कहते हैं कि सिग्मा एक्स अपान ई माइनस म्यू सिग्मा वाई अपान ई। वाई डायरेक्शन में जो स्ट्रेन निकालते हैं वो सिंपल सा सिग्मा वाई अपान ई माइनस म्यू सिग्मा एक्स अपान ई। यदि यहाँ जेड भी रहता तो यहाँ पर म्यू सिग्मा जेड अपान ई हो जाता, और यहाँ पर वाई है ये एक्स है, यहाँ पर माइनस म्यू सिग्मा जेड अपान ई। लेकिन यहाँ दो डायरेक्शन वाला है और एक को हम लोग यहाँ पर मानेंगे सिग्मा सी और दूसरे को मानेंगे सिग्मा एल। तो एक आपका सिग्मा सी दूसरा सिग्मा एल हो जाएगा। तो किस डायरेक्शन में आपको स्ट्रेन निकालना है वो यहाँ लिखेंगे और उसके अपोजिट वाला परपेंडिकुलर वाले को हम यहाँ लिखेंगे। तो अब देखिए दो क्वेश्चन में कह रहा है हूप या सर्कुफ्रेंशियल स्ट्रेस, तो चलिए स्टार्ट करते हैं हम लोग निकालना कौन सा आंसर होगा इसका। देखेंगे एक को निकाल लेंगे तो आपको आइडिया मिल जाएगा। एप्सिलॉन सी बराबर क्या हो जाएगा, सिग्मा सी अपान ई माइनस म्यू सिग्मा एल अपान ई। अब इसको सिग्मा सी की वैल्यू आप रखेंगे यहाँ, 1/e कॉमन ले लीजिए या 1/e अभी रहने दीजिए, PD अपान 2T और माइनस म्यू अपान ई, और ये हो जाएगा PD अपान 4T। अब बताइए कॉमन क्या हो जाएगा, PD अपान 2T कॉमन ले लेंगे यहाँ पर, PD अपान 2T कॉमन लेंगे, बचेगा क्या 1 माइनस म्यू बाई 2। ये हमारा क्या हो जाएगा सर्कुफ्रेंशियल, 1 माइनस म्यू बाई 2, और म्यू की वैल्यू कितना है 1/m। तो 1/m यानी इसको करेंगे तो ये म्यू हट जाएगा, वहाँ पर होम एम हो जाएगा। अब आंसर लिख देखिए कहीं होगा, आंसर होगा PD अपॉन 2T 1 माइनस 1/2m। तो PD अपॉन 2T 1 माइनस 1/2m, तो आंसर जो मैच किया वो कौन सा किया, ए किया। सिमिलरली सेम टू सेम यदि लॉन्गिट्यूडनल स्ट्रेन यहाँ इस क्वेश्चन में पूछा गया है, आप सिंपल सा आप जानते हैं सिग्मा एल अपॉन ई माइनस म्यू सिग्मा सी अपान ई। अब देखिए PD अपान 4TE और माइनस म्यू PD अपान 2TE। अब इसमें PD अपान 2TE कॉमन लेंगे, PD अपान 2TE यदि कॉमन लिया जाएगा और बचेगा कितना 1/2 माइनस म्यू, और म्यू को हम क्या लिखे हैं 1/m, तो 1/2 माइनस 1/m होगा ऑप्शन में, और PD अपान 2TE तो जो ऊपर था वही नीचे है। अब बताइए आंसर कहाँ है, 1/2 माइनस 1/m। तो 1/2 माइनस पहला तो देखेंगे कि PD अपॉन 2TE किसमें है, PD अपॉन 2TE इसमें भी है, PD अपॉन 2TE इसमें है। अब देखिए कि 1/2 1/m किसमें है, 1/2 और 1/m इसमें सही, यानी ए आंसर आपका गलत है। इसके लिए कौन सा आंसर है, ए आपका सही है, इसके लिए ए आंसर सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन डिस्कस करते हैं, ए
व्हेन ए थिन सिलेंड्रिकल सेल सब्जेक्टेड टू इंटरनल प्रेशर द वॉल्यूमेट्रिक स्ट्रेन क्या होगा, जैसे आयतन में विकृति क्या होगा। यदि आयतन में विकृति को हम लोग एप्साइलन भी बोल दिया जाए, ठीक है ना। आप इसमें बेसिक सोम में भी हम लोग निकलवाते थे कि जब उसको किसी रॉड में आयतनात्मक विकृति निकालना है तो एप्साइलन एन प्लस टू एप्साइलन सी, ये फार्मूला ही होता है, एप्साइलन एल प्लस टू एप्साइलन सी, ये फार्मूला होता है आयतन में विकृति का। जब दो अक्ष पर आपका कोई प्रतिबल लगा है उस केस में, तो लंगिट्यूडनल स्ट्रेस प्लस टू इंटू सर्कोफ्रेंशियल स्ट्रेन निकलेगा। लेकिन इसी कॉन्सेप्ट के द्वारा हम लोग यहाँ पर भी फॉलो करते हैं और वही चीज़ यहाँ पर भी निकलता है। लेकिन ध्यान दीजिएगा, यहाँ पर होता क्या है कि आप सिग्मा एप्साइलन आपको जानते हैं लंगिट्यूडनल होता क्या है, लंगिट्यूडनल स्ट्रेन प्लस टू टाइम्स लैटरल स्ट्रेन। अब लंगिट्यूडनल स्ट्रेन क्या है, एप्साइलन टू, मतलब सर्कोफ्रेंशियल या लैटरल कितना है, यहाँ पर हम लोग परपेंडिकुलर वाले स्ट्रेस की बात किए हैं, टू इंटू एप्साइलन वन, तो यही आपका एप्साइलन भी होगा। अब इस सर्च करेंगे, अब क्या है कभी कभी इसमें एप्साइलन वन देख रहे हैं, इन दोनों में बड़ा कन्फ्यूजन है और ये दोनों आप किस प्रकार से समझेंगे, देख रहे हैं ना, एप्साइलन वन प्लस टू एप्साइलन टू और यहाँ पर है एप्साइलन टू प्लस टू एप्साइलन वन, कौन सा सही होगा भाई। ये आपका लॉन्गिट्यूडनल होना चाहिए, लेकिन यहाँ पर देखिए ये क्या है, सर्कोफ्रेंशियल है, तो ये तो नहीं होगा। होगा क्या, ये जो होना चाहिए वो आपका लंगिट्यूडनल होना चाहिए, बाकी ए वाला कौन सा होना चाहिए, सर्कोफ्रेंशियल, तो सही है। तो ऑप्शन कौन सा सही होगा, एप्साइलन टू प्लस टू इंटू एप्साइलन वन। तो ऐसे कन्फ्यूजन आपको होते रहेंगे, तो आप इसको क्लियरिफाई एकदम कर लेंगे कि ऐसे क्वेश्चन आएगा तो किस प्रकार से सॉल्व करेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे 376, कह रहे हैं ए थीन सिलेंड्रिकल सेल ऑफ डायमीटर डी, लेंथ एल, थिकनेस टी, सब्जेक्टेड टू इंटरनल प्रेशर पी, द रेशियो ऑफ द लंगिट्यूडनल स्ट्रेन टू हूफ स्ट्रेन। तो लंगिट्यूडनल स्ट्रेन अभी अभी जो डिस्कस किया गया कि लंगिट्यूडनल स्ट्रेन कितना होता है, तो आप देखें पी डी अपान टू टी और ए निकला आपका 1/2 माइनस 1/m। हूफ स्ट्रेन कितना निकला, पी डी अपान टू टी 1 माइनस 1/2m। अब बताइए 2m नीचे तो बेस में दोनों में 2m कट जाएगा, ये हो जाएगा m माइनस 2 और बाकी भी नीचे 2m और ये हो जाएगा 2m माइनस 1 अपान 2m, ये 2m 2m कट जाएगा, m माइनस 2 अपान 2m माइनस 1। देखिए आंसर कौन सा मैच किया, तो m माइनस 2 2m माइनस 1, देख रहे हैं ना, पहला आंसर आपका सही हो गया। लेकिन ये m के फॉर्म में है, यदि ये म्यू के फॉर्म में रहता तो आपका कुछ बदल जाता, तो म्यू वाला ही फार्मूला आप वहां पर यूज करते और वहां से आंसर को क्लिक करते। क्वेश्चन नंबर 377 है, व्हेन ए थिन सिलेंड्रिकल सेल इज सब्जेक्टेड टू इंटरनल प्रेशर देयर विल बी, कह रहा है व्हेन ए थिन सिलेंड्रिकल सेल इज सब्जेक्टेड टू इंटरनल प्रेशर, जैसे सपोज कि यहाँ थिन है और यहाँ पर हम लोग इंटरनल प्रेशर दिए हैं, तो क्या हो सकता है, डिक्रीज इन डायमीटर एंड लेंथ ऑफ द सेल, नहीं बढ़ा रहा है तो बढ़ना चाहिए, ये तो नहीं होगा, इंक्रीज इन डायमीटर और डिक्रीज इन लेंथ, नो भाई दोनों इसकी लंबाई पूरी वॉल्यूम इंक्रीज करेगा, डिक्रीज इन डायमीटर और इंक्रीज इन लेंथ, नो इंक्रीज इन डायमीटर एंड लेंथ एंड सेल, ये आपका सही होगा। क्वेश्चन नंबर कौन सा होगा, डी सही होगा। क्वेश्चन नंबर 378, हम आपसे क्यों नहीं पूछ रहे किसका आंसर क्या होगा, हम चूंकि आपका एक तरीके से कॉन्सेप्ट रिवाइज कर रहे हैं और यहाँ पर बस हम जो बोल रहे हैं, हम जो कॉन्सेप्ट बोल रहे हैं वो बस सुनने का प्रयास आप करिएगा, आप अपना दिमाग यहाँ पर अभी फिलहाल में ना लगाएं, मेन आप कॉन्सेप्ट आप जानिए और उसके बाद फिर आप अलग क्वेश्चन अदर बुक का या कहीं एग्जाम में आए गए पेपर का सॉल्व करिए और वहाँ पर अपना दिमाग लगाइए। यदि आपका क्वेश्चन फंसता है, नहीं आता है एक जे लेवल के पेपर का क्वेश्चन, हालांकि भी इस लेवल को गेट लेवल का तो हम लोग यहाँ पर डिस्कस नहीं करते हैं, लेकिन हमारे चैनल पर ईएस और गेट का भी हम क्वेश्चन सॉल्व करते हैं, तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए यदि आप हाई लेवल का पढ़ना चाहते हैं। तो हम अपना सीरीज भी सॉल्व करते हैं, अभी एक दो सीरीज हम रिलीज किए हैं, बाकी सीरीज अभी रिलीज नहीं किए हैं,
2000 क्वेश्चन स्ट्रेंथ ऑफ मटेरियल का एक सीरीज हम बनाए हैं। बहुत सारे ऐसे क्वेश्चन हैं जो जेई से लेकर के ईएस गेट तक भी क्वेश्चन वहां पर मेंशन किए गए हैं। तो ऐसे क्वेश्चन को सलूशन के लिए चैनल को सब्सक्राइब कर लेंगे, लाइक कर लेंगे और लोग को भी ये शेयर कर लेंगे तो आपको वो नोटिफिकेशन उस ऐसे क्वेश्चन का पहुँचता रहेगा। क्वेश्चन नंबर 378 अभी फिलहाल में हम लोग आरिस कुर्मी लेवल का सॉल्व कर रहे हैं, तो जाहिर सी बात है फिर भी आप ऐसे कॉन्सेप्ट को यहाँ पर समझेंगे जिसकी वजह से और भी क्वेश्चन आपका सॉल्व हो जाएगा। 378 है द हूप स्ट्रेस इन ए रिवेटेड सिलेंडर सेल डायमीटर डी थिकनेस टी एंड सब्जेक्टेड टू इंटरनल प्रेशर। देखिए इसमें थोड़ा सा आप कॉन्सेप्ट जान लीजिए कि एक आपका सिलेंडर है, ये सिलेंडर है और इसकी लंबाई को हम बढ़ाते हैं तो ये लंबा सिलेंडर बन जाता है। यदि हम और इसको सोच रहे हैं कि नहीं ये लंबा ज़्यादा हो रहा है इसमें और वॉल्यूम करना है तो हम इसको क्या करते हैं एक और इसी प्रकार से सिलेंडर ऐड कर दिए ना, तो हम इसकी डायमीटर भी बढ़ा दिए, दे रहा है ना इतना डायमीटर बढ़ा दिए, तो हम सिलेंडर की डायमीटर को भी बढ़ा सकते हैं और लंबाई को बढ़ा सकते हैं। तो डायमीटर को बढ़ा सकते हैं, लंबाई को बढ़ा सकते हैं, जाहिर सी बात है तो उसको ज्वाइंट करते हैं, प्लेट को क्या करते हैं ज्वाइंट करते हैं। तो ज्वाइंट भी दो प्रकार का हो सकता है, या तो लैप हो सकता है या तो बट हो सकता है। और आप जानते हैं कि बट ज्वाइंट जो होता है वो ज़्यादा मजबूत इफिशियंट होता है एज कंपेरिजन टू लैप ज्वाइंट। लैप ज्वाइंट पर बेंडिंग हो जाता है, बट ज्वाइंट में बेंडिंग की कोई पॉसिबिलिटी नहीं होता है। ओवरऑल और ज़्यादा कॉन्सेप्ट के लिए आपको लेक्चर देखना पड़ेगा। इसलिए जिसमें इसमें फेल्योर की पॉसिबिलिटी जिसमें ज़्यादा होता है, फिर से सुन लेंगे, जिसमें फेल्योर की पॉसिबिलिटी ज़्यादा होता है कौन से स्ट्रेस का फेल होता है, सर्कोफरेंशियल स्ट्रेस। सर्कोफरेंशियल स्ट्रेस कौन सी सेक्शन पर उत्पन्न होता है, तो कहेंगे लॉन्गिट्यूडनल सेक्शन पर सर्कोफरेंशियल स्ट्रेस, और सर्कोफरेंशियल सेक्शन पर लॉन्गिट्यूडनल स्ट्रेस उत्पन्न होता है। तो जाहिर सी बात है लॉन्गिट्यूडनल सेक्शन पर सर्कोफरेंशियल स्ट्रेस उत्पन्न होता है और लॉन्गिट्यूडनल सेक्शन को बांधने के लिए हमको अच्छा ज्वाइंट प्रयोग करना पड़ेगा और अच्छे ज्वाइंट के लिए हम बट ज्वाइंट यूज करेंगे। तो वहाँ पर जो इफिशियंसी लेंगे किसका लेंगे, लॉन्गिट्यूडनल सेक्शन पर बट ज्वाइंट और सर्कोफरेंशियल सेक्शन पर लैप ज्वाइंट। तो लॉन्गिट्यूडनल सेक्शन पर बट ज्वाइंट और सर्कोफरेंशियल सेक्शन पर लैप ज्वाइंट उपयोग करेंगे। और इसके अनुसार यहाँ पर दो इफिशियंसी हैं, एक आपका इफिशियंसी या बट ज्वाइंट या एक इफिशियंसी आप लैप ज्वाइंट। तो जाहिर सी बात है ऐसे को यहाँ पर बहुत ज़्यादा डिटेल क्वेश्चन नहीं दिया है, लेकिन आप समझेंगे कि जैसे सिग्मा सी आपका है और आप पी डी अपान 2T लिखते हैं, सिमिलरली सिग्मा एल है और आप पी डी अपान 4T लिखते हैं। यहाँ पर इफिशियंसी आपका कौन से ज्वाइंट का रहेगा, कौन से सेक्शन पर ये उत्पन्न होता है, तो लॉन्गिट्यूडनल सेक्शन पर उत्पन्न होता है, यहाँ पर हम ईटा एल लिखेंगे। लॉन्गिट्यूडनल स्ट्रेस कौन से सेक्शन पर उत्पन्न होता है, तो कहेंगे सर्कोफरेंशियल सेक्शन पर लॉन्गिट्यूडनल स्ट्रेस उत्पन्न होता है, यहाँ सर्कोफरेंशियल सेक्शन पर। और बाकी ये आपका जो लॉन्गिट्यूडनल सेक्शन है इस पर आपका सर्कोफरेंशियल ए वाला इस पर उत्पन्न होता है, ए वाला इस पर उत्पन्न होता है। तो यहाँ पर जो लिखा जाएगा वो सिग्मा सी हो जाएगा। तो दोनों हम सब कुछ मिटा करके आपको एक फार्मूला डिस्कस करते हैं कि भाई सिग्मा सी बराबर पी डी अपान 2T ईटा एल, सिग्मा एल बराबर पी डी अपान 2T ईटा सी होता है। अब कहेंगे कि ये आप एकदम रट जाइए, चाहे हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लेंगे, इसका नोटिफिकेशन आपको लेक्चर का बेसिक कॉन्सेप्ट के साथ मिलेगा, वहाँ पर बहुत छोटा छोटा फिगर के थ्रू हम समझाए हैं। तो यदि आप इतना से काम चला पाते हैं तो चला लीजिए, नहीं तो आपको फिर उसका नोटिफिकेशन आपके पास पहुंच जाएगा, वहां से आप एकदम बिल्कुल देखेंगे कि सर्कोफरेंशियल सेक्शन क्या है, लॉन्गिट्यूडनल सेक्शन क्या है, सर्कोफरेंशियल सेक्शन पर कौन सा स्ट्रेस उत्पन्न हो रहा है, पूरा फिगर के डिटेल के अनुसार समझाया गया है। तो आप इसको आप एकदम रट जाएंगे कि सर्कोफरेंशियल स्ट्रेस यानी कि जो यहाँ पर इफिशियंसी आप सर्कोफरेंशियल स्ट्रेस इफिशियंसी ऑफ लॉन्गिट्यूडनल सेक्शन, फिर लॉन्गिट्यूडनल स्ट्रेस इफिशियंसी ऑफ सर्कोफरेंशियल सेक्शन, तो इस प्रकार से हैं। तो यहाँ पर है लॉन्गिट्यूडनल सेक्शन पर हमारा सर्कोफरेंशियल स्ट्रेस उत्पन्न होता है, सर्कोफरेंशियल सेक्शन पर लॉन्गिट्यूडनल स्ट्रेस उत्पन्न होता है, और हमारा जो सिलेंडर फेल होने की पॉसिबिलिटी रखता है वो लॉन्गिट्यूडनल सेक्शन और सर्कोफरेंशियल स्ट्रेस के कारण फेल होता है।
फिर से सुनेंगे, हमारा जो ब्रस्टिंग कैपेसिटी होता है, जो सिलेंडर ब्रस्ट करता है ना, सिलेंडर जैसे एलपीजी सिलेंडर आप ले लीजिए, एलपीजी सिलेंडर यही है, और ये ब्रस्ट कैसे करता है, ये ऐसे करता है, आधा इधर हो जाएगा आधा, कभी भी सिलेंडर को ऐसे फटते हुए नहीं देखेंगे, आधा इधर निकल जाएगा आधा इधर निकल जाएगा, आप कैसे फटता हुआ, आधा इधर और आधा इधर। तो ये कौन सा सेक्शन है, लॉन्गिट्यूडिनल सेक्शन, इस पे जो उत्पन्न होता है कौन सा स्ट्रेस उत्पन्न होता है, सिग्मा सी। तो हम प्रयास करते हैं कि ए वाला ज्वाइंट जो है वो अच्छा से बनाए, जिसकी वजह से वो फेल होने की चांसेस कम रहे। तो इसका हालांकि बहुत ज़्यादा कठिन तो क्वेश्चन यहाँ नहीं दिया गया, सिंपल क्वेश्चन दिया कि द हुप स्ट्रेस इन रिवेटेड सिलेंडर सेल डायमीटर डी एंड थिकनेस टी एंड सब्जेक्टेड टू इंटरनल प्रेशर पी। हुप स्ट्रेस दिया है तो बिल्कुल PD/2T इंटू ईटा, इसमें कन्फ्यूजन नहीं किया है कि भाई ईटा एल होगा कि ईटा सी होगा, इसलिए आप समझेंगे। फिर से एक बार लिख दे रहे हैं, PD/4T ईटा सी और PD/2T ईटा एल, ये चीज आपको बहुत सारे एग्जाम में भी पूछा गया है। क्वेश्चन नंबर 379 है, द लॉन्गिट्यूडनल स्ट्रेस इन रिवेटेड सिलेंडर सेल डायमीटर डी थिकनेस डी सब्जेक्टेड टू इंटरनल प्रेशर पी लॉन्गिट्यूडनल स्ट्रेस। तो देख रहे हैं ना, यहाँ पर PD/4T है, यहाँ ईटा से मल्टीप्लाई कर दिया, लेकिन यहाँ पर ईटा का कोई रोल यहाँ समझाया नहीं गया है, लेकिन आप जब बड़े एग्जाम देंगे तो वहाँ पर ईटा का रोल भी होगा, तभी आपका क्वेश्चन कॉन्सेप्ट बन पाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन 380 का, ए थिन स्फेरिकल सेल। देखिए यहाँ पर स्फेरिकल वाला क्वेश्चन आ गया, स्फेरिकल सेल, और स्फेरिकल सेल में सिग्मा सी और सिग्मा एल दोनों का मान एक ही होता है, और इसको जब सॉल्व करते हैं तो आता है PD/4T आता है, ये रट जाएंगे। यहाँ पर आपका सर्कोफ्रेंशियल और लॉन्गिट्यूडनल दोनों का मैग्नीट्यूड आपका PD/4T ही लिया जाता है। तो कह रहा है ये स्फेरिकल सेल ऑफ डायमीटर डी थिकनेस डी सब्जेक्टेड टू इंटरनल प्रेशर पी द स्ट्रेस इन द सेल मटेरियल। तो हमने बताया कि दोनों का मान PD/40 आता है, आंसर PD/40 ही करेक्ट करेंगे। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट 380, द मैक्सिमम शियर स्ट्रेस इन थीन स्फेरिकल सेल सब्जेक्टेड टू इंटरनल प्रेशर पी इज जीरो। द मैक्सिमम शियर स्ट्रेस इन थीन स्फेरिकल सेल सब्जेक्टेड इंटरनल प्रेशर पी इज इक्वल टू जीरो, टाऊ बराबर σ1 - σ2 अपान टू। तो इसका मान भी PD/40 और इसका मान भी PD/40/2, तो 0/2 यानी 0 हो जाएगा, यानी ए जो बोला गया वो आंसर सही है। क्वेश्चन नंबर 382, अब देखिए यहाँ पर सेम वही क्वेश्चन है, बस आपको क्या निकालना है, स्ट्रेन निकालना है। तो कह रहा है थीन स्फेरिकल सेल डायमीटर डी थिकनेस डी सब्जेक्टेड टू इंटरनल प्रेशर पी, द वॉल्यूमेट्रिक स्ट्रेन कितना होगा। हमने बताया कि वॉल्यूमेट्रिक स्ट्रेन जो होता है वो आपका लॉन्गिट्यूडनल प्लस 2 × सर्कोफ्रेंशियल, और आप कहते हैं कि लॉन्गिट्यूडनल और सर्कोफ्रेंशियल दोनों बराबर हैं, तो जाहिर सी बात है इन्होंने 3 × ε1 ε2 कुछ भी कर दीजिए, चलिए ε2 ही कर देते हैं, तो 3 × ε2 हो जाएगा, और ε2 की वैल्यू आप क्या होगा किसी का कैलकुलेट कर देते हैं। ε2 का मतलब लॉन्गिट्यूडनल स्ट्रेन क्या होगा, लॉन्गिट्यूडनल स्ट्रेन भाई दो अक्ष पर लगा है लेकिन दोनों आपका बराबर हैं, तो कहेंगे σ1/E - μ σ2/E, ये दोनों का मान तो बराबर हैं, चूँकि ये आपका सिंपल सा क्या हो जाएगा, 1 - μ कॉमन हो जाएगा, σ/E 1 - μ, सिग्मा की वैल्यू PD/40E, तो PD ये हो जाएगा 3 σ/E 1 - μ, और PD/40 3 PD/40 1 - μ, और 1 - μ की जगह आप रखेंगे 1 - m, तो 3 PD/40 1 - μ आंसर को खोजिए कहाँ है। 3 PD/40 तो पहले 40 दोनों हैं, आंसर देख रही है यहाँ पर भी PD/40 है, यहाँ पर भी PD/40 है, लेकिन एक में 3 से मल्टीप्लाई किया गया दूसरे में नहीं, तो आंसर जो होगा वो कौन सा होगा, 3 PD/40 1 - μ। ये बहुत अच्छे क्वेश्चन है, एग्जाम में मैक्सिमम पूछा भी जाता है, तो वहाँ पर आप थोड़ा सा ऐसे ट्रिक भी जानते रहिए, मान लीजिए दिमाग से और आपका ये नहीं आ पाया, आपके पास टाइम तो है सॉल्व करने का 1 मिनट,
बट आपका माइंड वहाँ पर नहीं जा पहुँच रहा है कि कैसे सॉल्व होगा। तो जाहिर सी बात है क्वेश्चन को सॉल्व करके फर्स्ट बार जरूर पढ़ना चाहिए, बाद में आप आइडिया लग जाता है तो फिर मत सॉल्व करिए। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट 383, ए थीन सिलेंड्रिकल सेल डायमीटर डी थिकनेस टी सब्जेक्टेड टू इंटरनल प्रेशर द वॉलमेट्रिक थीन सिलेंड्रिकल, देखो यहाँ सिलेंड्रिकल पूछ दिया और सिलेंड्रिकल के लिए आपको करना क्या है, एप्साइलेंट वी, आप एप्साइलेंट टू आप रखिएगा, एप्साइलेंट टू प्लस टू एप्साइलेंट वन, मतलब आप क्या करेंगे इसकी वैल्यू, इसकी वैल्यू जो आप निकाले हैं ऊपर से पी डी अपान टू टी, एक में निकाले हैं वन माइनस वन अपान टू एम, एक में पी डी अपान टू टी वन बाई टू माइनस वन बाई एम निकाला गया है, तो जाहिर सी बात है इन दोनों को जब सॉल्व करेंगे तो पी डी अपान फोर्टी आएगा फाइव माइनस, पी डी अपान फोर्टी फाइव माइनस जो आंसर आएगा वो आपका आएगा पी डी अपान फोर्टी फाइव माइनस फोर अपान एम जो आंसर आएगा, यानी आंसर ए आएगा, आप चेक करके देख लीजिएगा। ये आपका लॉन्गिट्यूडनल स्टर्न रखेंगे, ये आपका सर्कोफ्रेंसल स्टर्न रखेंगे, दोनों को ऐड करेंगे, इसमें दो से मल्टीप्लाई कर देंगे तो आंसर जो आएगा वो ए आएगा। क्वेश्चन नंबर 384 है, ए थीन सिलेंड्रिकल सेल डायमीटर डी थिकनेस टी सब्जेक्टेड टू इंटरनल प्रेशर पी द रेशियो ऑफ लॉन्गिट्यूडनल स्टर्न टू वॉलमेट्रिक स्टर्न, लॉन्गिट्यूडनल स्टर्न टू एक थीन सिलेंड्रिकल सेल डायमीटर डी सब्जेक्टेड टू इंटरनल प्रेशर, करा लॉन्गिट्यूडनल स्टर्न, लॉन्गिट्यूडनल स्टर्न का मान यहाँ लिख देते हैं पी डी अपान टू टी ई और लॉन्गिट्यूडनल स्टर्न है तो वन बाई टू माइनस वन बाई एम तो ए हो जाएगा, और यहाँ पर लिखा गया है लॉन्गिट्यूडनल स्टर्न टू वॉलमेट्रिक स्टर्न, तो वॉलमेट्रिक स्टर्न तो यही है पी डी अपान फोर टी और फाइव माइनस फोर अपान एम, तो 5m यहाँ पर 5m माइनस फोर हो जाएगा और यहाँ हो जाएगा m माइनस टू, तो आंसर जो होना चाहिए वो यही होना चाहिए, यही हो जाएगा m, ये हो जाएगा 2, यहाँ हो जाएगा m माइनस टू और ये हो जाएगा 5m माइनस टू, 5m माइनस फोर, सॉरी 5m माइनस फोर। तो ये रिजल्ट यदि याद रहेगा तो रिजल्ट से आप क्वेश्चन बना लेंगे, तो रिजल्ट भी प्रयास करिएगा कि किसी भी तरीके से आप लिख करके याद कर लीजिए। क्वेश्चन नंबर 385 है, द थिकनेस ऑफ थीन सिलेंडर सेल विथ स्टैंड, करा द थिकनेस ऑफ थीन, बहुत ही अच्छा क्वेश्चन कॉन्सेप्ट है ये, द थिकनेस ऑफ थीन सिलेंड्रिकल सेल, थीन सिलेंड्रिकल सेल विथ हेमी स्क्वेयर एंड, देख रहे हैं ना कुछ इस प्रकार से जो ट्रक में देखे होंगे कुछ ऐसे ऐसे लेके जाता है, इसको हेमी स्फेयर बोलते हैं, दोनों आधा आधा एंड दैट ऑफ सिलेंड्रिकल एंड, दैट ऑफ सिलेंड्रिकल एंड, अरे सॉरी दैट ऑफ स्फेरिकल एंड, कहने का मतलब ये है कि स्फेयर में जो थिकनेस लग रहा है और ये सिलेंडर में जो थिकनेस लग रहा है, देख रहा है ना, क्या इन दोनों का थिकनेस बराबर है, मतलब यदि हम सिलेंडर का थिकनेस इसको हम T1 मान लें और इस वाले को T2 मान लें, ना कह रहा है कि T1 T2 से क्या है, T1 का मान T2 के इक्वल है, मोर देन है, ग्रेटर देन है या लेस देन है, तो ये चीज़ ध्यान में रखेंगे जब इसको प्रूफ भी हम लोग थ्योरी में कराते हैं तो एक रिजल्ट आता है T1 अपान T2 का, तो रिजल्ट से मालूम चलता है कि ये जो इसका थिकनेस जो होता है, यानी कि थिकनेस ऑफ थीन सिलेंड्रिकल सेल विथ हेमीस्फेयर एंड दैट ऑफ स्फेरिकल एंड, तो जाहिर सी बात है कि इसकी वैल्यू ग्रेटर देन होता है एज कंपेरिजन टू जो हेमीस्फेयर लगा है, तो जाहिर सी बात है कि ए वाला जो थिकनेस है ए ज़्यादा होता है, कितने इससे ज़्यादा, कौन से ज़्यादा, हेमी स्फेयर से, तो आंसर जो होगा 385 का वो कौन सा हो जाएगा, मोर देन, आंसर कौन सा हो जाएगा, मोर देन आंसर हो जाएगा, आप लोग टिक भी लगाते चलेंगे। ओके तो नेक्स्ट क्वेश्चन आपका 386 है, द हूप स्ट्रेस इन थिक सिलेंड्रिकल सेल इज मैक्सिमम, ध्यान दीजिएगा थीक सिलेंड्रिकल वाला क्वेश्चन आ गया, हुप स्ट्रेस हमने बताया थीक सिलेंडर पर तीन स्ट्रेस उत्पन्न होता है, यदि थोड़ा सा कॉन्सेप्ट आप सुनना चाहते हैं तो मैं आपको हल्का सा उसको इसके विषय में थीक वाले के विषय में डिस्कस कर देता हूं कि किस प्रकार से क्या होता है उसमें थीक वाले में, तो आप लोग एटलीस्ट अरेश कुर्मी का क्वेश्चन सॉल्व करने में काफ़ी हेल्प हो जाएगा। लॉन्गिट्यूडनल स्ट्रेस है, लॉन्गिट्यूडनल स्ट्रेस क्या होता है, पूरी थिकनेस पर यूनिफॉर्म होता है, जैसे सपोज कि आपका सेल है और ये जो सेल का पूरा थिकनेस है
इस पे जो लॉन्गिट्यूडनल स्ट्रेस पूरे थिकनेस पर यूनिफॉर्म होता है। हमने बताया कि तीन स्ट्रेस उत्पन्न होता है, लॉन्गिट्यूडनल, सर्कुफरेंशियल और रेडियल। तो वहां पर तो दो ही उत्पन्न होता था, रेडियल एकदम नगण्य आता था, लेकिन यहाँ पर रेडियल का मान ठीक वाले में आता है। इसका मान एकदम यूनिफॉर्म होता है पूरी थिकनेस पर, लेकिन सर्कुफरेंशियल का मान यूनिफॉर्म नहीं होता है। सर्कुफरेंशियल स्ट्रेस का मान अथवा हुप स्ट्रेस का मान थिकनेस पर यूनिफॉर्म नहीं होता है, जाहिर सी बात है वैरी करता है। तो सर्कुफरेंशियल अथवा हुप स्ट्रेस मैक्सिमम जो होता है वो इनर फाइबर पर, कहाँ होता है, मैक्सिमम इनर फाइबर पर होता है। और जैसे मैक्सिमम आपका यहाँ भी फिगर बना दे तो मैक्सिमम यहाँ होता है, लेकिन धीरे 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 इसका मान घटता घटता जाता है, ऐसे घटेगा और जा करके यहाँ मिनिमम हो जाता है। तो आउटर पर क्या हो जाता है, मिनिमम हो जाता है, और इनर पर क्या होता है, मैक्सिमम होता है। क्या एक कौन सा है, हुप अथवा सर्कुफरेंशियल का मान इनर पर मैक्सिमम और आउटर पर मिनिमम होता है। जो इसका वेरिएशन होता है वो हाइपरबोलिक होता है, हाइपरबोलिक, नोट कर लीजिए। हमने बताया था इससे रिलेटेड और भी क्वेश्चन सॉल्व हो जाएगा, इसका मतलब जाहिर सी बात है कि थोड़ा बहुत अलग कॉन्सेप्ट हम लोग डिस्कस करेंगे। तो हुप स्ट्रेस का मान इनर पर मैक्सिमम आउटर पर मिनिमम, जो वेरिएशन होता है वो हाइपरबोलिक होता है। ठीक वाले में कंडीशन बताएं, ठीक वाले में लॉन्गिट्यूडनल पूरी थिकनेस पर यूनिफॉर्म रहता है, ये ठीक का कंडीशन है। ओके, अभी रेडियल का भी हम लोग डिस्कस कर लेंगे। रेडियल का होता क्या है, रेडियल स्ट्रेस का मान भी इनर पर मैक्सिमम होता है, रेडियल स्ट्रेस भी इनर पर मैक्सिमम होता है, और धीरे 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 जा करके ये आपका एटोमॉस्फेरिक प्रेशर के बराबर हो जाता है। यदि इसको हम जीरो माने हैं तो ये मैक्सिमम आपका जो इसके अंदर इंटरनल फ्लूड भरे होंगे, मान लेंगे प्रेशर पी भरे हैं, तो प्रेशर पी मैक्सिमम इंटरनल फ्लूड प्रेशर के बराबर तो होगा, लेकिन इसके बाद इसका मान धीरे 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 जा करके जीरो हो जाएगा। तो मैक्सिमम से मिनिमम नहीं होता है, मैक्सिमम से जीरो, अथवा आंसर में यदि आपका जीरो ना हो करके मैक्सिमम से एटोमॉस्फेरिक प्रेशर देता है, जिसको हम डेटम लाइन बोल देते हैं कि यह एक रेफरेंस लाइन है, तो उसको हम जीरो भी मान सकते हैं। हालांकि एटोमॉस्फेरिक प्रेशर जीरो नहीं होता, 1.013 के टर्म्स में होता है। तो जाहिर सी बात है कि वहाँ पर आप किस प्रकार से क्वेश्चन का आंसर दिया है, मतलब ऑप्शन दिया है, उसके अनुसार सही करेंगे। मैक्सिमम कितना होता है, पी न्यूटन प्रति एमएम स्क्वायर एक तरीके से, जो उसके अंदर इंटरनल फ्लूड भरे होंगे, और साथ में वेरिएशन आपका होता है जीरो तक चला जाता है, लेकिन ये जो वेरिएशन होता है इसका शेप कैसा होता है, हाइपरबोलिक। तो रेडियल और हुप स्ट्रेस दोनों का वेरिएशन ठीक सिलेंड्रिकल प्रेशर वेसल में आपका हाइपरबोलिक वेरी करेगा, हुप में मैक्सिमम इनर पर मिनिमम आउटर पर, रेडियल में मैक्सिमम इनर पर जीरो आपका आउटर पर, अथवा एटोमॉस्फेरिक आपका आउटर पर होता है। अब इतना समझ गए, अब देखिए 86 क्वेश्चन सॉल्व करते हैं, बाकी लॉन्गिट्यूडनल भी हम लोग डिस्कस कर लेंगे। द हुप स्ट्रेस इन थिक सिलेंडर सेल इज मैक्सिमम एट इनर रेडियस। तो आप यदि इतना सुने होंगे तो जाहिर सी बात है इसको तुरंत आप कहेंगे कि नहीं भाई ये सही बोला गया है। आंसर क्या होगा इसका मान, 386 का आंसर कितना हो जाएगा, ट्रू। क्वेश्चन है लामी थ्योरम एसोसिएट, लामी थ्योरम थिन सिलेंड्रिकल सेल, थिक सिलेंड्रिकल सेल, डायरेक्ट बेंडिंग। देखिए थिक सिलेंड्रिकल सेल के लिए लामी थ्योरम अप्लाई किया जाता है। क्वेश्चन नंबर 388 है, इन ए थिक सिलेंड्रिकल सेल सब्जेक्टेड टू इंटरनल प्रेशर पी। देखिए बहुत अच्छा क्वेश्चन है, और मतलब ये IAS में तक इस प्रकार से क्वेश्चन पुट अप होते हैं। इन ए थिक सिलेंड्रिकल सेल सब्जेक्टिव टू इंटरनल प्रेशर पी, टेंजेंशियल स्ट्रेस एक्रॉस द थिकनेस ऑफ सिलेंडर करा मैक्सिमम एट आउटर सरफेस, मिनिमम एट इनर सरफेस, मैक्सिमम एट इनर सरफेस, मिनिमम एट आउटर सरफेस, मैक्सिमम एट आउटर, जीरो एट इनर, मैक्सिमम एट इनर एंड जीरो एट आउटर। तो मैक्सिमम एट इनर सरफेस एंड मिनिमम एट आउटर सरफेस, ए होगा आपका ऑप्शन जो टेंजेंशियल एक तरीके से हुप स्ट्रेस आता है, हुप स्ट्रेस, यानी इसको कंफ्यूज नहीं होंगे यहाँ से। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट, चूंकि हम डिस्कस कर दिए ऑलरेडी, इस वजह से इस क्वेश्चन को और ज़्यादा एक्सप्लेन नहीं करेंगे, ऑलरेडी हम कर चुके हैं इसका कॉन्सेप्ट। 389, इन ए थिक सिलेंड्रिकल सेल सब्जेक्टेड टू इंटरनल प्रेशर पी, द रेडियल स्ट्रेस एक्रॉस, हमने बताया मैक्सिमम से जीरो अथवा एटोमॉस्फेरिक प्रेशर वेरी करेगा।
तो कह रहा है मैक्सिमम एट आउटर, मिनिमम एट इनर सरफेस, गलत, मैक्सिमम एट इनर, मिनिमम एट आउटर, गलत, मैक्सिमम एट आउटर, मैक्सिमम एट इनर एंड जीरो एट आउटर, ऑप्शन डी सही। नेक्स्ट क्वेश्चन 390, इन ए थीक सिलेंड्रिकल सेल सब्जेक्टेड टू इंटरनल प्रेशर पी एंड टेंजेंशियल स्ट्रेस इज ऑलवेज ए टेंसाइल स्ट्रेस वेयर द रेडियल स्ट्रेस इज ए कंप्रेसिव। 390 क्वेश्चन 390 का कह रहा है इन ए थीक सिलेंड्रिकल सेल सब्जेक्टेड टू इंटरनल प्रेशर पी टेंजेंशियल स्ट्रेस इज ऑलवेज इन टेंसाइल, सर्कोफ्रेंशियल स्ट्रेस टेंसाइल एंड रेडियल स्ट्रेस इज कंप्रेसिव, बिल्कुल सही है, रेडियल स्ट्रेस कंप्रेसिव नेचर का होता है। क्वेश्चन नंबर 9, इन ए थीक सिलेंड्रिकल सेल सब्जेक्टेड इंटरनल प्रेशर पी मैक्सिमम रेडियल स्ट्रेस एट इनर सरफेस ऑफ सेल इज माइनस पी यानी कंप्रेसिव। देखिए यहाँ लिखने का जो तरीका है थोड़ा सा मिस्टेक, हम अदर की अपेक्षा है एग्जाम में या तो आपका आएगा माइनस लिखा रहेगा या तो पी बगल में कंप्रेसिव रहेगा, ये लिखने का एक अच्छा सूटेबल तरीका माना जाता है, दोनों नहीं लिखते हैं जनरली, लेकिन फिर भी आपका ऑप्शन में ऐसा दिया है तो इसी को आप सही करेंगे। क्वेश्चन नंबर 391 हो गया, 392 देखेंगे, एक थीक सिलेंड्रिकल सेल, एक थीक सिलेंड्रिकल सेल, आपको ये क्वेश्चन रटना पड़ेगा एग्जाम के लिए हैं और ये आपका प्रूफ के लिए रिजल्ट आता है। एक थीक सिलेंड्रिकल सेल हैविंग द रेडियस आपका आर जीरो, यानी जैसे भी फिगर भी बना दिया जाए तो आपका एक आपका आर जीरो है, मतलब एक आउटर है और एक इनर है, मतलब एक आर जीरो है और एक आर आई, सब्जेक्टेड टू इंटरनल प्रेशर पी द मैक्सिमम टेंजेंशियल स्ट्रेस एट द इनर सरफेस ऑफ द सेल, और इसका जो आंसर आता है वो आपका इस प्रकार से पी आर जीरो स्क्वायर आर आई स्क्वायर आर जीरो माइनस आर आई, इसको कैलकुलेट करेंगे विद द हेल्प ऑफ द, इसमें लामी थ्योरम भी एप्लीकेबल होता है थीक में। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट 393 है, ए थीक सिलेंड्रिकल सेल, ए थीक सिलेंड्रिकल सेल हैविंग द आर जीरो एंड आर आई आउटर एंड इनर रेडियस सब्जेक्टेड टू इंटरनल प्रेशर पी द मिनिमम टेंजेंशियल स्ट्रेस एट आउटर सरफेस ऑफ द सेल, और इसके लिए जो आंसर इसका जो आता है वो आपका 2PRI स्क्वायर अपान आर जीरो स्क्वायर माइनस आर आई स्क्वायर, ये भी आपका प्रूफ के अनुसार कैलकुलेट करते हैं। द मैक्सिमम टेंजेंशियल स्ट्रेस इन थीक सिलेंड्रिकल सेल इज ऑलवेज इंटरनल प्रेशर एक्टिंग ऑन द इक्वल है, इक्वल टू इंटरनल प्रेशर, लेस देन और ग्रेटर देन, तो जाहिर सी बात है एक तरीके का ये क्या आएगा, इक्वल टू या लेस देन या ग्रेटर देन। तो कह रहा है द मैक्सिमम टेंजेंशियल स्ट्रेस इन थीक सिलेंड्रिकल सेल इज ऑलवेज ग्रेटर देन इंटरनल प्रेशर एक्टिंग ऑन द सेल, यानी ग्रेटर देन आंसर इसका आएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, नेक्स्ट क्वेश्चन जो आता है 395, ये आपका कॉलम बेस है और इस कॉलम बेस के लिए आपका नेक्स्ट वीडियो रहेगा। तो आज हमारा जो डिस्कशन था वो आपका प्रेशर वेसल पर था, थीन और थीक आरएस कुर्मी ऑब्जेक्टिव टाइप क्वेश्चन को सॉल्व किया गया और उसमें बहुत सारे कॉन्सेप्ट को भी डिस्कस किया गया। तो जाहिर सी बात है नेक्स्ट हमारा जो वीडियो रहेगा वो आगे क्वेश्चन के लिए रहेगा, हम लोग एक एक टॉपिक वाइज आपके पास लेकर आ रहे हैं, जाहिर सी बात है आप रिवाइज करिए और वीडियो को देख करके क्वेश्चन सॉल्व करिए, रिवाइज करिए और क्वेश्चन सॉल्व करिए, और भी पेपर एक वीडियो देखने के बाद आप डिफ्लेक्शन स्लोप ऑफ डिफ्लेक्शन या जो इससे रिलेटेड क्वेश्चन हम लोग ऑलरेडी सॉल्व कर चुके हैं यदि आप वीडियो देख पाए हैं तो जाहिर सी बात है पेपर सॉल्व करना स्टार्ट करिए, और पेपर सॉल्व करने के बाद भी आपका कोई क्वेश्चन फंसता है तो हमें कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताएंगे कि ये क्वेश्चन नहीं आ रहा है तो हम उसको आपको सॉल्व करेंगे। चलिए तो आज के लिए बस इतना ही, नेक्स्ट वीडियो के लिए हमारे चैनल के साथ बने रहिए, धन्यवाद।